शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, आंखों से पी या मैं खाने से पी और शराब की लत। आपने शराब के या नशीले पदार्थों के दुनिया में बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े कविता, बड़े बड़े मुशायरे, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अशार, बड़े बड़े शेर, बड़े बड़ी लोकतियाँ, कहानियाँ और बहुत सारे नाटक मंच आपने देखे होंगे। कभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो शराब को बहुत ज़्यादा महिमा मंडित कर पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। जो भगवान बुद्ध ने पांच सील दिए, पांचों सील जरूरी होते हैं, उनमें से कोई भी सील छोड़ा नहीं जा सकता। चार सील पहले बताए जा चुके हैं, ये पांचवा सील है। सुरा मेरे मज्ज पमादिट्ठाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामि। इसमें सुरा का जो मतलब है, सुरा है वो आसब जो नशीले पदार्थ जिससे आते हैं या जो बुराइयां आती हैं। मेरे जो है, मेरे एक ठोस तरह के पदार्थ को बोलते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनको मेरे बोलते हैं। मज्ज का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा, मद निषेध। संस्कृत भाषा में मज्ज को मद बोलते हैं, यानी कि जो मद में आपको ले आए, मदमस्त कर दे, ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ, ऐसी बातें। मगर इसमें जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पमादिट्ठाना। पमादिट्ठाना जो शब्द है, इसका मतलब है जो पमाद के स्थान है, यानी जहां आप पमाद में पड़ जाते हैं, जहां पमाद आपको लेके जाता है, जहां आप प्रमाद में पड़ जाते हैं, जहां आप का मन राग और द्वेष में पड़ जाता है, ऐसे स्थान। वीरमणि का मतलब है व्रत रहना है। सिक्खा पदंग का मतलब है शिक्षा के पद, यानी एजुकेशन के जो स्टेप्स हैं, एजुकेशन। और समाधियामी का मतलब है सम माने बराबर, पूरी तरह से। आदियामी का मतलब है लेता हूं, ग्रहण करता हूं, यानी कि जो नशीले द्रव्य पदार्थ हैं जिसको सुरा बोलते हैं, या ठोस पदार्थ हैं जिसे मेरे बोलते हैं, या मध जो चीज है जो मस्त कर देती है, ऐसे पदार्थ हैं, या जो ऐसे स्थान है जहां इन सब चीजों में प्रमत्त हो जाता है आदमी, जहां दुनिया में कहीं भी प्रमाद में जा सकता है, उनसे अलग रहने की, उनसे व्रत रहने की मैं प्रतिज्ञा करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। यह है सुरा मेरे मज्जे पमादिट्ठाना वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामि। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अगर बुद्ध के सीलों का पालन करे और वो ये कहे कि मैं चार सील का पालन करता हूं, पांचवे का नहीं करता। ये पांचों ही जो सील हैं, वारित सील कहे जाते हैं। वारित का मतलब है कि इसमें नहीं करने का है, यानी कि चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है और नशीले पदार्थ नहीं करने हैं। पांचों में नहीं शब्द आता है, इसको वारित बोलते हैं, इसी को व्रत बोलते हैं, इसी को व्रती रहना बोलते हैं। 24 घंटे 365 दिन आपको इनसे व्रत रहना है, व्रती रहना है, इसलिए वारित बोला जाता है। ये जो सुरा वाला है, सुरा मेरे मज्जे वाला, जो शराब वाला है, ये सील क्यों पड़ा और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? भगवान बुद्ध ने जो ये सील बताए हैं, सील का मतलब है कि जो आपके वचन को, जो आप बोलते हैं और आपके जो काम हैं, उसको मन से संयत कर दे, वो बातें जो मन से बिल्कुल ठीक कर दे, शांत कर दे और आपको लाभकारी हो, वो सारी बातें, उनको सील कहा गया है। भगवान बुद्ध के समय से पहले बहुत प्राचीन काल में भारत में कोई इस तरह के व्यभिचार या चोरी या नशा या पता नहीं होते थे। बहुत सारे लोगों ने जो घुसपैठ की भारत के अंदर, वो अपने साथ बुराइयां लेके आए और उन्होंने बुराइयों का व्यापार किया, जो और जगह जहां से हुआ है वहां चलती थी। तो भारत के लोगों को भी उन्हें इन बुराइयों में डालना शुरू किया, क्योंकि किसी को अगर तलवार से या किसी को बंदूक से या किसी को अगर जबरदस्ती आप अपना गुलाम या अपना स्लेव बनाना चाहेंगे या उसे कमजोर करना चाहेंगे तो वो फिर उठ खड़ा होगा। मगर अगर उसके परिवार में, उसके पुत्र पुत्री में, उसके खानदान में या उसके अंदर अगर कोई बुराई डाल देते हैं, कोई व्यसन डाल देते हैं तो, या कोई आसन डाल देते हैं, तो फिर वो आपका परमानेंट गुलाम हो जाता है। और वो इतना गुलाम हो जाता है कि उस गुलामी के चक्कर में वो अपने बीबी बच्चों को भी आपको दे जाएगा, अपना पैसा, अपना रुपया, अपना खेत, अपना जमीन जायदाद, यहां तक कि वो आपकी बेगार भी करेगा अगर वो इन व्यसनों में पड़ जाता है। इसलिए उन दिनों शराब का चलन, सुरा का चलन
या मेलिया का चलन या मज का चलन या ऐसी प्रमाद की चीजें। प्रमाद में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे प्रमादी का जो मतलब होता है कि जिस चीज का आपको लत या राग लग जाए, ऐसी चीज, बहुत सारी चीज उसमें उस समय आती हैं। तो उस सारी चीजों की आदत भारत के लोगों को डाली गई और भारत के लोगों को फिर जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सारे के सारे परमानेंट गुलाम हो गए उन लोगों के, जो लोग बाहर से घुसपैठ करके आए और इन बुरी आदतों को लेके आए। इसलिए ये बुरी आदतें भगवान बुद्ध के समय में लगभग सारी छोड़ी गई। जो ये कहते हैं, क्योंकि बार बार मन में डाला जाता है कि शराब चीज ही ऐसी है कि ना छोड़ी जाए, ये बार बार मन में इसलिए डाला जाता है कि आपको लगे कि शराब बहुत बढ़िया चीज है या बहुत बड़ी इसकी आदत है जो छूट नहीं सकती। जैसा कि कोरोना के समय में आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग थे शराब पीने वाले या सिगरेट पीने वाले या नशा पता करने वाले, जिनको मिली उन्होंने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, इस आदत को पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया, या जिन्होंने बहुत ऊंचे दामों पर चोरी छुपे लिया उन्होंने किया, और जिनको नहीं मिली उन्हें कोई आदत भी नहीं पड़ी, यानी कि उनकी छूट गई आदत। बहुत लोगों की आदत छूट गई और जब अवेलेबल होगी तो फिर वो उसकी तरफ मन करेगा और हो जाएगा। ये बेसिकली काम कैसे करती है, अगर ये समझ लें कि ये आदत काम कैसे करती है, तो इसे छोड़ना आसान होगा। क्योंकि शराब ऐसी चीज है जो छोड़ी जा सकती है, क्योंकि जो आदत पड़ती है वो छोड़ी जा सकती है। भगवान बुद्ध के समय में और अशोक के समय तक, अशोक के पुत्र के समय तक और बहुत बाद तक भी लोगों ने ये सारी चीजें छोड़ दी, क्योंकि पंचशील का पालन पूरे देश में होता था और सारी बुराइयां लगभग लोगों ने छोड़ दी थी। तभी भारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ और सबसे ज्यादा अखंड भारत और बृहत भारत उसी समय रहा। तो काम कैसे करती हैं? जब पहली बार आपके सामने कोई शराब लेके आता है, कोई नशीला पदार्थ लेके आता है, या कोई मज लेके आता है, या कोई प्रमत्त का सामान लेके आता है, तो आप ध्यान देंगे कि आपको आदत नहीं है, यानी पहले से कोई आदत आपको पड़ी हुई नहीं है। इसलिए ये कहना कि इसकी शराब की हमें आदत लग गई, आदत लगी नहीं है, क्योंकि शराब आपके पास जब पहली बार आई है या नशीला पदार्थ पहली बार आया है तो आपने उसका सेवन किया है। पहली बार सेवन करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेकार और घटिया होता है, क्योंकि ना तो शराब मीठी होती है, ना तंबाकू मीठा होता है, ना ही चरस गांजा अफीम जो है वो मीठी होती है, ना ही उनके कोई इम्पैक्ट अच्छे आते हैं, और पहली बार में कहीं किसी को आदत भी नहीं पड़ती। मगर जब वो उसको ग्रहण करता है तो ये पदार्थ कैसे काम करते हैं, इन पदार्थ को लेने के बाद में आपका जो सेंस का सिस्टम है, यानी कि जो आपका इद्दी का तंत्र है, इद्दी का तंत्र उसको बोलते हैं, जो आपको जागरूक रखता है, जो आपको विजिल रखता है, जो आपको चेताता रहता है, जो आपकी चेतना होती है, जैसे मैं अभी कैमरे के आगे बैठा हूं तो कैमरा कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं, मैं 100% चेतना के साथ काम कर रहा हूं। मगर अगर मैं कोई नशीला पदार्थ ले लेता हूं तो फिर मेरा जो सेंस है वो 100% काम नहीं करेगा, उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो पदार्थ हैं ये मेरे काम करने की क्षमता को कम कर देंगे और मेरे ब्लड प्रेशर को भी कम कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ आराम में है। क्योंकि नींद की जो मुद्रा होती है, जिस समय नींद आती है उस समय भी हमारी बॉडी काम करना कम करती जाती है और बंद कर देती है, सेंसेस सारे बंद हो जाते हैं, जो तंत्र हैं, जो इंद्रियां हैं वो बंद हो जाती हैं, तो हमें रिलैक्स मिलता है क्योंकि अब मशीन हमारी काम नहीं कर रही है। तो ये चलती हुई मशीन को अचानक ही स्लो डाउन कर देते हैं और उसको ऐसा लगता है जैसे रिलैक्स मोड में या आराम वाले मोड में आ गए हैं, तो लगता है कि बड़ा अच्छा है क्योंकि अब शरीर पर जोर नहीं पड़ रहा, अब ब्रेन पर जोर नहीं पड़ रहा, अब मन और मस्तिष्क बिल्कुल आराम में आ गए हैं, ब्लड प्रेशर कम है। तो अचानक हाई स्पीड से चलती हुई कार जो 100 की स्पीड से जा रही है, अगर अचानक वो 20 की या 30 की स्पीड से आ जाए तो ऐसा लगता है कि वो आराम में आ गई है। तो ये बड़ा मन को थोड़ा सा अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है कि शरीर रेस्ट मांगता है, शरीर कभी नहीं चाहता कि वो काम करे, क्योंकि इसके अंदर जो मार होती है वो हमेशा कहती है कि क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, छोड़ो। क्योंकि शरीर को मार खत्म करती है, मार चाहती है कि शरीर को जल्दी से जल्दी खत्म करके अपना काम खत्म करे। शरीर के अंदर जो मार की और डेथ की फाइल होती है वो 24 घंटे एक्टिवेट रहती है, वो 24 घंटे कहती है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे शरीर ज्यादा दिन तक चले। तो वो हमेशा ऐसे कामों के लिए आपको प्रेरित करती है जो मार है या निगेटिव ऊर्जा है जो आपके शरीर के अंदर ही होती है, कि जिससे आप अपने शरीर की ज्यादा देर चलने वाले या स्वस्थ होने वाले काम को छोड़ दें।
तो शराब या नशीले पदार्थ उसी में आते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो मार का मन पसंद वो भोजन है, यानी कि मार उसको बड़ा पसंद करती है कि ये बहुत अच्छा भोजन आया है जिससे कि मेरा काम आसान हो गया, अब इसका शरीर डाउन होने लगा है। अगर आप कोई नशीला पदार्थ बहुत ज्यादा सेवन कर लेंगे तो मर भी जाएंगे, यानी मार का काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मार बार 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 कैसे उसको याद कराती है कि आपको दोबारा से शराब लेनी है या नशीला पदार्थ लेना है। इसका एक पहली बार जब कोई सेवन करता है तो इसका एक फोल्डर बनता है, इसकी एक जानकारी का खाता खुलता है, शरीर के अंदर कि ये वाला पदार्थ लेने से मेरे शरीर में बड़ा रिलैक्सेशन आया, अगर ऐसा जोड़ा गया है तो। और जो लोग ये सोचते हैं और ये समझते हैं और ये जानते हैं कि ये पदार्थ लेने के बाद मेरा शरीर डाउन हो गया और मेरे शरीर में ये कमी आ गई, मेरे शरीर में दर्द हुआ, मेरे पेट में दर्द हुआ, मेरा ब्रेन काम करना कम किया, मेरा जो खून का दौरा है, जो ब्लड का प्रेशर है वो बड़ा कम हो गया, मेरी ऊर्जा कम हो गई, मैं काम नहीं कर पाया, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया, वो अपने फोल्डर में लिखते हैं कि ये पदार्थ खराब है, ये पदार्थ नहीं लेना है। इसलिए ध्यान दीजिए कि दुनिया में पहली बार शराब या नशीला पदार्थ पीने के लिए या पीने के बाद हर एक आदमी को लत नहीं लगती, हर एक आदमी इसकी लय में नहीं आता, हर एक आदमी इसकी पकड़ में नहीं आता। वो लोग पकड़ में आते हैं जो मन से बहुत कमजोर होते हैं, जो अज्ञान होते हैं, जो जानकारी जिनको नहीं होती है, जिनका व्याणा बहुत कमजोर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मन से कमजोर हैं और आपका व्याणा, आपका अंदर से जो शक्ति है, मार है, वो बहुत ज्यादा प्रबल है जो आपको मानना चाहती है, तो आप जल्दी पकड़े जाएंगे। तो शराब जैसे जाती है तो उसकी जानकारी कोड पूरा बनता है कि इसने ये काम किया, इसने ब्लड प्रेशर कम किया, इसने बॉडी को शिथिल किया, शांत किया, इसने रिलैक्सेशन की फीलिंग दी, या इसने शरीर को खट्टी आई, या चक्कर आए, या पेट में दर्द हुआ, या पेचिस हुई, या दस्त लगे, या लैटिन में लूज मोशन आए, या पेट में ऐठन हुई, या ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ या नीचे हुआ, या शरीर में घबराहट हुई या तबीयत खराब हुई। ये सारी चीजें शरीर रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद उस फोल्डर में डाल देता है। अब आपको जब भी दोबारा शराब या नशीला पदार्थ या सिगरेट या तंबाकू या अफीम चरस गांजा दिखाई देगा तो आपका वो फोल्डर एक्टिवेट होगा, वो खुलेगा। खुलने के बाद में अगर आपने उसमें ये जोड़ा है कि ये मुझे अच्छा लगा तो आपको दोबारा चाहिए, और अगर आपने ये जोड़ा है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा तो आपको उससे नफरत हो जाएगी, आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं बल्कि उसको फेंक देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसको खत्म कर देंगे। मगर आपका मन इस बात को जानता है कि ये पदार्थ ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने फोल्डर में ये जुड़े होते हैं उनका कॉन्शियस माइंड ये बताता है कि शराब पीना ठीक नहीं है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो चाहे बेशक शराब नशीले पदार्थ लेता हो या ना लेता हो, जो ये कह दे कि ये पदार्थ मैं ले रहा हूं और ये अच्छा है। अगर अच्छा पदार्थ होगा तो वो अपने पुत्र को और पुत्री को जरूर पिलाएगा, और अपने बच्चे को जैसे ही पैदा होगा वैसे जरूर देगा, मगर कोई दुनिया में किसी को शराब ना देता है ना पिलाता है। ये इसकी खास बात है, इसका मतलब ये बुरी चीज है और बुराई की सामान है। तो जब मन बार बार इसको मांगता है तो उसको राग बोलते हैं, ये राग आपके शरीर में आ जाता है। इस राग की वजह से आपको शराब अच्छी लगती है। बाकी शराब की इतनी ज्यादा महिमा मंडित की जाती है, नशे के पदार्थ की इतनी ज्यादा महिमा मंडित की जाती है कि जो ना भी लेने वाले हैं वो भी इसको ट्राई करने के लिए कोशिश करते हैं कि ये है क्या, इसको देखें ये क्या, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज है। तो शराब कहीं आपके अंदर जरूरत का सामान नहीं है, वो सिर्फ एक राग है जो आपके अंदर फाइल और फोल्डर बना हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। क्योंकि शरीर को शराब की आवश्यकता, शरीर को नशे के पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। जो नशे के पदार्थ की आवश्यकता होती है वो पहले मन मांगता है, यानी मन में आता है कि ये सेवन करना है या नहीं, ये पीना है या नहीं, ये खाना है या नहीं। अगर मन से आपने उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर शरीर को आवश्यकता नहीं है। मगर अगर आपने मन में इसको बार बार रिपीट किया कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, तो इसको लत बोलते हैं, इसको राग बोलते हैं। ये बड़ा होता जाता है, ये बीमारी बन जाता है, उसके बाद फिर आप अपने बच्चों को बेचेंगे, अपने घर का सामान बेचेंगे, अपनी ज्वेलरी बेचेंगे, अपनी जो बची हुई सारी चीजें उनको बेचेंगे, और इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे होकर घर बर्बाद हो जाते हैं और शरीर साथ में खराब होता है। क्योंकि शराब का एक सिंगल भी फायदा नहीं है जो शरीर को होता हो। कोई कहता हो कि शराब से गर्मी मिलती है, ये बिल्कुल झूठ बात है। जितना गर्म पानी पीने से गर्मी मिलती है उससे कम शराब से गर्मी मिलती है, क्योंकि अल्कोहल टूट के ग्लूकोज में बदलता है। गर्म पानी पी लेंगे तो उससे भी आपको एनर्जी तुरंत मिल जाएगी, तुरंत शरीर आपका गर्म हो जाएगा, शराब से भी ज्यादा। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं।
मगर मन अगर आपका बार बार ऐसा कहता है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि शराब काम कैसे करती है, लोगों को इतना ज्यादा इसको महिमा मंडित किया जाता है, खास तौर से पुरुषों के अंदर यानी मेल के अंदर, तो उनको लगता है कि शराब बहुत बढ़िया चीज है, जो शराब पीता है उसकी बड़ी आलीशान बात होती है, ज्यादा पिएगा तो ज्यादा बात होगी, महंगी पिएगा तो बड़ा रॉयल हो जाएगा। और शराब बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे सैकड़ों गुना होते हैं। एक एल्कोहल एक लीटर की जो पैदाइश है वो 10-12 रुपए में हो जाती है, मगर उसे एक चमकदार बोतल में एडवर्टाइजमेंट के साथ में वो 2,000, 5,000, 3,000, 2,000, 80,000, 20,000, 30,000 जो कीमत चाहें उसकी ले सकते हैं, जितना उसको महिमा मंडित कर दें उतना ही ज्यादा। यही ठीक तंबाकू का और नशीले पदार्थों का बाकी का है। इस पूरे धंधे में इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है कि लोगों को जबरदस्ती प्लेस किया जाता है, बताया जाता है कि इसका सेवन करो, इसको बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है पिक्चरों में, नाटकों में, पोस्टरों में, एडवर्टाइजमेंट में, ताकि आदमी को इसकी जिज्ञासा लगे, उसके सामने बार बार पोस्टर आए, उसको लगे कि इसे पीना बड़े शान की बात है, बड़ी इज्जत की बात है, बहुत बड़ा स्टेटस हो जाएगा, बहुत बड़ी मान्यता हो जाएगी। और कई बार बच्चों के मन में आता है कि ये बड़ों का काम है, अगर इसे हम पियेंगे तो हम खुद बड़े हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरी दुनिया को ये जबरदस्ती कुछ लोग जो इसका मुनाफा कमाते हैं, इसका पैसा कमाते हैं, वो इसके धंधे के लिए पूरी दुनिया को ये जहर बांटते हैं। मगर ये किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये समानता पे आधारित है। उनके खुद के बच्चे भी जो शराब पीते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अपना 8 अंगों का मार्ग है उसमें कहा है सम्यक आजीविका, यानी कि अगर आप अपने कमाने को धंधे को सही नहीं रखेंगे और किसी को पाप कर्म में डाल के पैसा कमाएंगे तो आपके बच्चे जीवन भर इसका दुख पाएंगे, आपकी पीढ़ियों की पीढ़ियों इसका दुख पाएंगे। इसलिए शराब बेच के या शराब की परमिशन दे के या शराब को अलाउ करके जो लोग ये सोचते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया है, किसी को मारना या मारने का सामान प्लाना या उसके घर को बर्बाद करने का सामान प्लाना या उसको खत्म करने का सामान प्लाना कभी भी अच्छा काम नहीं हो सकता। इससे देश भी बर्बाद होता है, व्यक्ति बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है, समाज बर्बाद होता है, और जो पैसा अगर कोई कमाता है तो वो भी बर्बाद होता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग इससे बीमार रहते हैं, इतनी ज्यादा तोड़फोड़ होती है, इतनी ज्यादा क्राइम होता है कि सारा जो सामाजिक सिस्टम है वो उस पैसे के आगे बिल्कुल बेकार हो जाता है, उससे ज्यादा पैसा खर्च होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई शराबी शराब पीता है तो पहले पैसा बर्बाद करता है, उसके जब बाद उसका घर बर्बाद होता है क्योंकि उसके घर में अशांति रहती है, उसके बच्चे बर्बाद होते हैं क्योंकि वो अपने शराबी बाप को ना इज्जत देते हैं और ना ही उसको कोई बात उसकी मानते हैं, उसके बाद में जब वो बीमार होता है तो उसका पैसा बर्बाद हो जाता है और मरने के बाद भी उसे इज्जत नहीं मिलती। कहते हैं कि वो साला शराबी था मर गया, यानी साला शराबी फ्री में गाली देके उसको नवाजा जाता है और कोई उसकी मरने के बाद भी इज्जत नहीं करता। तो इससे कोई फायदा नहीं है, ना सामाजिक है, ना आर्थिक है, ना राजनीतिक है, ना धार्मिक है, ना ही किसी देश को है। हाँ, अगर किसी देश की प्रजा को गुलाम बनाना हो, किसी देश को बर्बाद करना हो, किसी देश को खत्म करना हो और किसी देश को आगे ना बढ़ना हो तो शराब को जरूर बेचना चाहिए और खूब बड़ा चढ़ा के बेचना चाहिए, क्योंकि शराब बेचने से कुछ पैसा देश को लगता है कि आ जाएगा, मगर उससे ज्यादा उसका पैसा हॉस्पिटल में, उससे ज्यादा पैसा उसका पुलिस की कार्रवाई में, उससे ज्यादा पैसा उसका अदालतों की कार्रवाई में, उससे ज्यादा पैसा उसके जो बच्चे बिगड़ते हैं उनको ठीक करने में, उससे ज्यादा पैसा जो पूरे मोहल्ले में अशांति होती है उसको ठीक करने में चला जाता है। इसलिए वो पैसा भी कामयाब नहीं होता, बल्कि और पैसा खर्च हो जाता है। ये बुराई है, बुराई जहां भी जाएगी बुरा काम ही करेगी, अच्छा काम नहीं कर सकती। शराब के बारे में आप किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ये बहुत अच्छी चीज होती तो बच्चे को पैदा होते ही शहद नहीं खिलाया जाता, शराब पिलाई जाती। मगर कोई भी व्यक्ति, चाहे बेशक वो शराब पीता हो, अपने बच्चे को पैदा होते ही शहद चटवाता है, शराब नहीं चटवाता कभी भी। और शराबी खानदान में शराबी भी अपने बच्चों की शादी करना पसंद नहीं करता, यानी कि दो शराबी आपस में रिश्तेदार बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि शराबियों में शादी कौन करेगा। इसलिए शराब एक ऐसी बुराई है जो हमेशा चंद लोगों को फायदा देती है, पैसे का सामाजिक फायदा उनको भी नहीं है, क्योंकि शराब बेचने वाले को भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, जो दुकान पर शराब बेचते हैं उनको भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। बुराई तो बुराई है, जहां टच करेगी, जिसके पास भी जाएगी, उसको बुराई ही करेगी और उसको खत्म कर देगी। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने 5 सीलों में ये सील 5वां दिया। ये इसलिए दिया क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग इन व्यसनों में पड़े हुए थे और भगवान बुद्ध ने प्रयास किया और मेहनत की और लोगों को पढ़ाया और समझाया और दिखाया
कि देखो शराब कैसे नुकसान करती है, आओ ऐही पस्से को आओ विपस्सना करो और देखो कि शरीर को कैसे प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ लेता है तो उसका शरीर उसके सामने ही मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि मरने की अवस्था और शराब पीने के बाद की अवस्था एक है। जब आदमी मरता है तब भी उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है, और जब शराब पीता है तब भी उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है। ये बात जिसको एहसास हो जाती है वो जीवन भर के लिए शराब छोड़ देता है। शराब में जो लोग ये कहते हैं कि नशीले पदार्थ या शराब या इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं या मेडिकल साइंस में बताते हैं, मेडिकल साइंस में एक सिंगल लाइन नहीं लिखी हुई कहीं जो इस बात को कह दे कि शराब शरीर के लिए ठीक है। एल्कोहल और केमिकल रिएक्शन में काम आ सकता है, एल्कोहल से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एल्कोहल को आप जलाएंगे तो आप हाथ सेक सकते हैं, एल्कोहल का एक हीटर बना सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, एल्कोहल से कार चला सकते हैं, या होम्योपैथी की दवाइयों में सब में एल्कोहल होता है उसमें डाल के संरक्षित कर सकते हैं। एल्कोहल के बहुत इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर एल्कोहल को शरीर के अंदर डालने का प्राकृतिक नियम नहीं है। प्रकृति ने एल्कोहल को शरीर के अंदर डालने का नियम ही नहीं बनाया। अगर ऐसा बनाया होता तो कहीं ना कहीं एल्कोहल अपने आप पैदा होता, जो मनुष्य ने या जानवरों ने उसको पी के पहले से बहुत पहले से डेवलप किया होता। इसलिए एल्कोहल जहर होता है। अगर कोई जो ऐसा एल्कोहल है जो अनप्योरिफाइड है अगर उसको आदमी सेवन कर ले तो तुरंत मर जाता है। आपने हजारों ऐसी घटनाएं देखी होंगी जबकि कच्चा एल्कोहल पी के इम्प्योर एल्कोहल पी के लोग मर गए और मरते रहते हैं। ये जो नशीले पदार्थ हैं, ये जो सुरामेर मज्ज है, ये जब शरीर में जाते हैं तो ये शरीर में जो आपके मन के अंदर जो फाइलें बनी हुई हैं वो अच्छी फाइलों को बंद कर देते हैं। यानी कि जो काम आप अच्छे करने वाले हैं वो बंद कर देते हैं, और जो फाइल आपकी गंदी फाइल हैं, जो क्रोध की है, काम की है, लालसा की है, ईर्ष्या की है, विपसना की है, गाली गलौज की है, हत्या की है, क्रिमिनल की है, उन सब फाइलों को खोल देते हैं। इसलिए नशीले पदार्थ लेने के बाद में आदमी अच्छे काम नहीं करता, उसके मन में सबकॉन्शियस माइंड में जो दबे हुए मन के अंदर जो बुरे काम होते हैं वो सारे के सारे एक साथ निकल के आ जाते हैं और वो उग्र रूप धारण करते हैं। चूंकि मन बहुत कमजोर होता है इसलिए मन उन फाइलों को रोक नहीं पाता, ये जो नशीला पदार्थ है ये उनको रोकने के लिए मना कर देता है और मार हावी हो जाता है। शराब के नशे में, चरस गांजे अफीम के नशे में, या जो ड्रग्स लेते हैं उसके नशे में, या जितने भी प्रकार के मज हैं या प्रमाद हैं, उस नशे में आदमी सारे नेगेटिव काम ही करता है, सब उल्टे काम ही करता है। कभी भी कोई भी आदमी आपको नशे में अच्छा काम करता हुआ नहीं मिलेगा। ये नशे की खास बात है। भगवान बुद्ध ने इसको बहुत बारीकी से समझा कि ये कैसे मन पे हावी होता है और कैसे आदमी की अच्छाइयों को हरण कर लेता है, हत्या कर देता है, और बुराइयों को खुराक देता है, बुराइयों को ये आगे बढ़ाता है, और बुराइयां मन पे हावी हो जाती हैं, और आदमी जो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तैयार होता है वो उसका भक्षण कर देता है। यानी कि जिस पत्नी को बचाने के लिए वो जान लगाता है, जिन बच्चों को खाने कमाने के लिए, खाना लाने के लिए वो पूरी जिंदगी लगाता है, शराब के या नशीले पदार्थ के प्रभाव में आके कई बार उनकी भी हत्या कर देता है, उनको मारता भी है, उनको पीटता भी है। इसलिए शराब बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर शेर आपके सामने आ जाए तो उससे मत डरना, मगर अगर शराब सामने आ जाए, नशीला पदार्थ सामने आ जाए तो उससे आप भयभीत होना, डरना उससे, क्योंकि वो आपको अंदर तक जानवर बना देगी और आप अपने हाथों से अपने परिवार को खत्म कर देंगे। तो सुरा मेर मज्जे पमादिठाना वीरमणि बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार सील है। ये पांचवा सील है। आप इन सीलों को जीवन में अपनाइए और बुद्ध पूर्णिमा मनाइए। धन्यवाद।